शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं आज कोजागिरी की पूर्णिमा की रात को यहाँ सारी पूजा लगने वाली है। तो एक एक करके सारी पूजा कैसी करनी है और आपको ये सिंपल पूजा कैसे रात को 12 बजे करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो पहले गणेश जी की प्रथम पूजा कर ले। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकारी तु सर्वदा। तो ये गणेश जी की हो गई। फिर इसके बाद ये कुबेर जी है, एक लक्ष्मी जी है और ये इंद्र का प्रतीक है इसीलिए, और ये है चंद्र का प्रतीक। तो ये चावल का मैंने गोल बनाया है, ये चंद्र और ये इंद्र। ये आम की टहनी इसमें डाल दी है, ये कलश पानी भर के रखा है और ये वासुदी या दूध आप रख सकते हैं या सफेद मिठाई भी रख सकते हैं। मेरे पास ये महालक्ष्मी का अष्टलक्ष्मी का ये सिक्का था इसीलिए मैंने आज कोजागिरी पूर्णिमा थी तो मैंने ये रख दिया। ये देखो आप भी देख सकते हैं अष्टलक्ष्मी रूप है इसमें पूर्ण। तो ये अष्टलक्ष्मी की भी मैं आज पूजा करने वाली हूँ ताकि घर में बरकति बनी रहे। साल में एक ही बार आता है ये दिन अपना कोजागिरी का, तो इससे जो भी हम उपाय करेंगे वो बहुत दुगने फल देंगे इसलिए मैंने ये भी रख दिया है अष्टलक्ष्मी का। मेरे पास ये तिरुपति बालाजी गई थी तो कुबेर लक्ष्मी लाई थी मैं, तो ये वहाँ से कुबेर लक्ष्मी लाई तो मैंने ये आज कुबेर लक्ष्मी का दिन है इसलिए ये कुबेर लक्ष्मी जी भी मैंने रख दी है यहाँ पे। तो अभी हम पूजा स्टार्ट करते हैं ये गणेश जी की। अभी हम कुबेर जी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ओम श्रीम रीम रीम कमले कमलाल अहम ओम प्रसिद्ध 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 स्वाहा। फिर कुबेर जी की पूजा करते हैं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्यादिपतये धनधान्य समृद्धि में देहि देहि दापय स्वाहा। अभी हम इंद्र की भगवान की पूजा करते हैं। ये इंद्र का प्रतीक है। और ये चंद्र का। आज के दिन सफेद चीज का भोग लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है इसीलिए सफेद चीजों का भोग अवश्य लगाएं। तो ये छोटी सी पूजा मैंने आपको सारी सामग्री बताई है कि कैसी पूजा करनी है। ये चांदी का सिक्का भी मैंने रख दिया है, पिछले साल में दिवाली में लाई थी चांदी का सिक्का। माँ लक्ष्मी बैठी हुई अगर आपके पास हो तो ये चांदी का सिक्का आज के दिन भी रख दे ताकि घर में धन की बरकत बनी रहे। इसको लाल कपड़े में बांध कर थोड़े से मुट्ठी भर चावल लेकर आप कहीं तिजोरी में रख दे, साल भर कभी धन की कमी नहीं होगी। तो ये भी रख दिया है मैंने इसको, इसको भी हम पूजा कर लेते हैं। और ये लक्ष्मी जी के पास और थोड़ी बरकती रहनी चाहिए इसलिए मैंने 11 रुपए रखे हैं, आप ज्यादा भी रख सकते हो। ये भी लाल कपड़े में लक्ष्मी जी के साथ आपको बांधना है। ये पीली कौड़ी है, पीली कौड़ी लक्ष्मी जी को अति प्रिय है इसीलिए पीली कौड़ी लक्ष्मी जी को 40 दिन इसकी सेवा भी कर सकते हैं आप। रोज 108 मंत्र इस पर आप जप सकते हो, तब 140 दिन के बाद आप इसको लाल कपड़े में बांध कर भी रख दोगे तो चलेगा। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रही, एक ही उपाय कर रही हूँ, सिर्फ ये इन दोनों को मैं लाल कपड़े में बांध कर रख दूँगी। तो दोस्तों ये रही कोजागिरी पूर्णिमा की सारी पूजा, आप देख सकते हो कैसे की है मैंने। तो आपको भी यह पूजा ऐसी करनी है, अभी से आप तैयारी करके रख दो यानी रात के 12 बजे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आपको मेरी कोजागिरी की पूर्णिमा की पूजा कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और शालिनी भक्ति सागर और महाकाल के उपाय चैनल को, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो माता लक्ष्मी जी के लिए एक लाइक करें। तो बोलो जय माँ लक्ष्मी।